हेलो। चल गया क्या? हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आर स्टडी में। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि जिनको भी मैथमेटिक्स नहीं आती है, गणित नहीं आती है, उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनका दुख सिर्फ उन्हीं को पता है और थोड़ा सा मुझे भी पता है, क्योंकि आप लोग हर दिन शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत पता हो गया धीरे धीरे कितना दर्द होता है जिनको गणित नहीं आती है। उनको इस मैथमेटिक्स की वजह से क्या क्या सहने पड़ते हैं, ताने सहने पड़ते हैं और अंदर से जो एक दर्द होता है ना, मीठा वाला, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो ऐसा कुछ भी ना हो, इसलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं बेसिक मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से। और ये क्लास आप लोग यूट्यूब पे रात के 9 बजे से बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। हमारी पूरी गारंटी होगी कि आपको समझ में आएगा अगर आप इस क्लास को पूरा एंड तक देखेंगे और छोड़ के बीच में नहीं जाएंगे तब। ये डोज नंबर 15 है, जैसा कि टाइटल का नाम है क्लास का, ये बैच का नाम है मैथ का वैक्सीन। क्लास का नाम है बैच का क्या? मैथ का वैक्सीन। हर एक क्लास का एक एक नाम होता है अपना अलग, तो इसमें यह भी है एक अलग नाम। बहुत से बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जैसे कि दीपांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमित दुबे जुड़े हुए हैं, ए के जुड़े हुए हैं और सब लोग जुड़े हुए हैं, पूनम देवी, अमित दुबे, सभी जुड़े हुए हैं। तो आप सबको पता है कि शनिवार को हम लोग टेस्ट करते हैं ना, तो रवि पूछ रहे हैं वो कोई दीपांशु की टेस्ट नहीं होगा, तो बाबू टेस्ट होगा। चलो आज टेस्ट ही हो जाएगा, थोड़ा सा रुकना, आधा मिनट रुकना, बफरिंग करेगा तो जाना नहीं। चलें, फिर हिल रहा है हाथ वाथ, चल रहा है ना। चलो, तो शनिवार को बेसिक मैथ का लाइव टेस्ट होता है, लेकिन आज ये उस तरीके से नहीं होगा, आज ये उस तरीके से लाइव टेस्ट नहीं होगा जैसे होता है, लेकिन फिर भी ओरल टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा ये टेस्ट भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें का, ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा है, सुंदर सा। ये बताइए 0.5 व 0.05 में कौन बड़ा है? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए इनमें कौन बड़ा है। देख पा रहे हैं सबका कमेंट? संगम कुमारी बिल्कुल कमेंट आ रहा है आपका, उज्मा कमेंट आ रहा है, मनोज यादव, मोहित, ठीक है, पंकज, प्रीति सिंह, प्रांजल और कौन है भाई, इंद्रजीत, अनुज, आकृति और कौन है, बबलू, ठीक है ठीक है, जितेंद्र जी कमेंट आ रहा है, आपका बच्चा कंचन, सबका कमेंट आ रहा है। देखो ध्यान से इधर साइड में, मैंने कहा इन दोनों में कौन बड़ा है आपको बताना है जल्दी से, उसके बाद मैं बताऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेना है। हम बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाते हैं, टेस्ट के टाइप का ये क्लास होगा आज, क्योंकि सैटरडे, सैटरडे को टेस्ट होता है, तो इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे भी, उसको डिस्क्राइब भी करेंगे, टेंशन ना लेना। चलो, तो इसका सबसे पहला जवाब दिया है ए के ने, सॉरी ए के पहले राजपूत बोहरा ने बताया था और उसके पहले दीपांशु ने बताया था, तो सबसे पहला जवाब दीपांशु का है, राजपूत बोहरा दूसरे पर हैं और ए के तीसरे पर हैं। बहुत अच्छे। देखो भैया, 0.5 का मतलब है ये 50 पैसा, अगर पैसे में बात करें 50 पैसा है, चाहे इसे हम 0.5 लिखें या फिर 0.50 लिखें या फिर 0.500 लिखें, ये का मतलब वही है, इसका भी मतलब वही है, इसका भी मतलब वही, यानी ये तीनों एक हैं, समझ रहे हो ना आप लोग, इसमें कोई अंतर नहीं है। दीपांशु, नहीं बेटा आज कुछ नहीं मिलने वाला, आज ये क्लास अलग है, ये प्राइज वाला नहीं है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, प्राइज के चक्कर में आए हो तो फिर जाओ, आज इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, ये क्लास खुद एक सरप्राइज है, ये क्लास अपने में ना एक बड़ी सरप्राइज है। सिस्टम मेरा अपडेट करना था, इसके पहले ये बता रहा था मुझे, लेकिन मैंने किया नहीं और ये इसलिए फिर दर्द कर रहा है। अपडेट करना था भाई साहब, अपडेट करना था बब्बा, इसको यार क्या बताऊं, रुक रहा है क्या? चलो
इनमें कौन बड़ा है बताइए, जवाब दीजिए, थोड़ा बफरिंग करेगा। पहले बताओ कौन छोटा है, चलो बड़ा नहीं, इनमें कौन छोटा है बताइए। अरे जब चलेगा इन्हीं तो रात में अपडेट लगाएंगे, और क्या हो, क्रिंक क्रिंक कर रहा है, इसलिए इसका वो सॉफ्टवेयर भी अपडेट करना है, सिस्टम भी अपडेट करना है, सब कुछ अपडेट करेगा ये। बहुत दिन से बोल रहा है, लेकिन मैं बोल रहा था बेटा तुम चलो, अभी अभी टाइम नहीं है, लेकिन आज ये कह रहा मैं नहीं चलने वाला हूँ। बेटा यहाँ पे कमेंट कॉपी पेस्ट नहीं होता बाबू, ठीक है, इसे मैं अपडेट करूँगा यार, ये थोड़ा सा रुकना आप लोग, आधा मिनट थोड़ा सा रुक जा भाई, पता नहीं क्यों इतना हैंग कर। चलें शुरू करें फिर से, चलिए रेडी, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो बता दो कि हाँ दिक्कत है, बताइए, कुछ नहीं दिक्कत ना, रेडी आ गए सभी, चलो तो अब नहीं छूटने वाला ये, अब नहीं छूटने वाला लफड़ा। चलो जितने भी हमारे साथी क्लास को लाइक नहीं करे हैं वो फटाफट लाइक करें। तो ये क्या टेस्ट हो रहा था ना, इनमें दोनों में कौन बड़ा है, इनमें दोनों में अगर बड़ा की बात करें तो ये बड़ा बच्चा, इन दोनों में कौन बड़ा है, इसके लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा इनका एलसीएम निकाल के। एलसीएम इनका 35 आएगा, जब 35 में 7 का भाग करेंगे तो 5 आएगा, तो भैया ये 5/35 आएगा बाबू, और ये अब 35 में 5 का भाग करोगे 7 आएगा, 7 × 2 = 14, तो ये देखो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, यहाँ से ये क्लियर हुआ कि इन दोनों में आप यहाँ देखो 14 लड्डू में 35 खाने वाले हैं, 5 लड्डू में 35 खाने वाले हैं, तो भाई ज़्यादा ज़्यादा उसी में मिलेगा जिसमें ज़्यादा माल होगा, तो इसमें 14 है और इसमें 5 ही है, खाने वाले बराबर हैं, यानी ये बड़ा है ना, इसका मतलब 2/5 बड़ा है, समझ में आया ना। इसको कैसे करते हैं, जब मैंने रेगुलर क्लास पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से बताया था, जब मैंने रेगुलर क्लास पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से बताया था, और अब ये डिसकनेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने अभी अभी अपडेट करा इसे, जो बीच बीच में डिसकनेक्ट कर रहा था, बीच बीच में किचिर किचिर ना, वो नहीं होना चाहिए। चलिए तो ये भिन्न का बड़ा छोटा आप लोग जान गए, इसमें किसी को कोई परेशानी अब नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप लोग मुझे ये बताइए, आज टेस्ट हो रहा है ना, ये ओरल टेस्ट है, सैटरडे को टेस्ट होता है, वैसे मैंने टेस्ट नहीं लिखा था ऊपर थंबनेल में, लेकिन फिर भी हो रहा है, तो मुझे यह बताओ जल्दी से, ए 45 अंश, बी 90 अंश, सी 120 अंश, और डी, डी कितना है, 180, इनमें कौन न्यून कोण है बताइए। न्यून कोण कौन है इसमें बताइए जल्दी, एक्यूट एंगल बोलते हैं ना इसे, क्यूट नहीं एक्यूट, इनमें कौन है न्यून कोण है, जरा कोशिश करिए आप लोग, इजहार अंसारी बेटा पीबीआर स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और एप्लीकेशन में जा करके ना आप क्लास देखो प्यार से, ठीक है, चलें आगे बढ़ें, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी नहीं ना, चलिए ठीक है, ये सबको समझ में आया। इसका पहला जवाब जो दिया है वो कौन दिया है भाई, मनोज यादव, दूसरे नंबर पर ए के, तीसरे नंबर पर कौन है आलोक, चलिए देखिए आगे समझिए, अगला देखिए चौथा नंबर, इसमें अगर हम बात करें बच्चा न्यून कोण की, यहाँ से मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको,
न्यून कोण, एक्यूट एंगल बोलते हैं ना इसे इंग्लिश में, ये 1 से लेकर के 89 डिग्री तक होता है, याद रखना। कितना तक? 1 से बड़ा, यानी 1 और 1 से बड़ा 89 तक जो है वो क्या होता है? न्यून कोण होता है। 89 से जैसे ऊपर गया 90 बना, वो क्या हो गया? फिर समकोण हो गया। और 90 के अगर ऊपर गया तो फिर बात ही अलग है, 90 के ऊपर गया तो क्या हो गया? अधिक कोण हो गया, ठीक है? 90 के ऊपर गया तो अधिक कोण हो गया। तो यहाँ पे समझते चलिए, धीरे धीरे से समझिए अच्छे से। अच्छा ये बताइए, इनमें कौन समकोण है? इसका करेक्ट आंसर था तीसरे का 45, तीसरे का सही जवाब था 45। चौथा क्वेश्चन है कि इनमें कौन समकोण है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, बताइए इनमें समकोण कौन है, फटाफट बताओ। चलो चलो भाई बताओ बताओ बताओ, समकोण कौन है? दीपा गुप्ता, बहुत अच्छे दीपा जी। सूरज समकोण, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो बताए थे समकोण, उनका नाम है सरचर महाराज भाई, सरचर महाराज, बहुत अच्छे, ठीक है। सबसे पहले आप तो समकोण की बात करें तो 90 है, 90 क्या है? समकोण है। 4 नंबर का आंसर हो गया, 90 डिग्री क्या है? समकोण है। देखिए यहाँ से समझिए, समकोण, समकोण शून्य कोण, ये बताओ शून्य कोण कितने अंश का होता है? जल्दी बताओ शून्य कोण कितने अंश का होता है? ऋजु कोण, और का होता है संपूर्ण कोण, ये सभी इकलौते कोण होते हैं। क्या होते हैं भैया? ये सभी इकलौते कोण होते हैं बाबू, ठीक है। मनोज यादव पढ़ाई कर लो आप, आपका टाइम ओवर हो गया, फिर से बनाया जाएगा आपको। थोड़ा थोड़ा सबको मौका देना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा सबको मौका मिलना चाहिए। ये सभी इकलौते कोण है, इकलौते का मतलब ये सिर्फ एक है बस, बाकी जो अढ़ैयब है उनमें अधिक कोण है, न्यून कोण है, और ये बृहद कोण वगैरह जो है इनकी संख्या जो है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। शून्य कोण को इजहार ने बताया है 0। संगम कुमारी, भाई संगम तो लड़का का नाम है कि लड़की का नाम है? हा? फिर भी जो भी है कुछ तो है, इंसानी तो है। चलो समझिए, शून्य कोण 0 अंश का होता है, सम कोण 90 डिग्री का होता है, ऋजु कोण को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं 180 का होता है, संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल 360 का होता है। याद रखना ये सभी क्या हैं, ये सभी क्या हैं? ये सभी अद्वितीय कोण हैं। अद्वितीय का मतलब वो अकेले अपने माई बाप के लाडले, समझ रहे हो ना? जैसे कोई हो आपका दोस्त वगैरह जो कि अकेले हो, उसके कोई भाई बहन ना हो, तो देखो अपनी माँ के और पिता के दोनों के आंख का तारा होता है, और जो 2-3 चाटी होते हैं वो में भी होते हैं लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कभी कोई अच्छा काम करा वो बन गया, वो अच्छा काम करा वो बन गया, हाँ। माता पिता अपनी चॉइस बदलते रहते हैं भाई, क्योंकि उनके सभी बच्चे हैं, लेकिन अगर अकेला रहता है तो तब तो फिर बात ही अलग है। चलो लिख लो, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है। मिटा दें? देखिए जब मैं लिखता हूँ ना तो आप लोग इसे लिख लिया करिए, क्योंकि ये बेसिक मैथ पढ़ रहे हो आप 0 लेवल वाली, और आज वैसे प्रैक्टिस हो रहा है इसलिए आप देख रहे हो टॉपिक बदल रहा जल्दी जल्दी ना, ये प्रैक्टिस है भैया। 5वां क्वेश्चन हो गया लगभग, ठीक है, 5 क्वेश्चन लगभग हो गए, ये प्रैक्टिस हो रहा आज। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब जान रहे हो, एक्सरसाइज हो रही है आज इसमें। डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ कल से शुरू करते हैं, कब से? कल से, कल से, हाँ देखना।
निम्नलिखित में इसमें कौन अधिक कोण है बताओ। इनमें कौन अधिक कोण है जवाब दीजिए। अभय सिंह देखिए कोशिश करिए एक बार, अधिक कोण कौन है बताइए फटाफट बताइए। चलिए कोशिश करिए बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है बहुत अच्छे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे। देखिए इसमें जो सबसे पहले अधिक कोण की कंफ्यूजन है, 80% बच्चे दिमाग के भ्रष्ट हो गए हैं। अगर इसमें मैं अधिक कोण की बात करूं तो इसमें सिर्फ एक है, अधिक कोण सिर्फ एक है कोणों का कोई नहीं है, इसमें कोई अधिक कोण नहीं है। देखो एक्चुअली अधिक कोण क्या होता है, वो 91 से 179 तक होता है बस। अधिक कोण 91 से स्टार्ट होता है, 179 पे खत्म हो जाता है, क्योंकि जो 90 होता है बचवा ये समकोण कहलाता है बाबू, समकोण होता है, ये ऋजु कोण होता है स्ट्रेट एंगल। और ये क्या है, ये कंप्लीट एंगल है, संपूर्ण कोण है, क्या है संपूर्ण कोण है। और 180 जो होता है 79 तक देखो यहाँ है अधिक कोण में, 180 ऋजु कोण हो गया, और जैसे 180 के दूसरे पहरे गए ना 181 कच्चा, यहीं से बृहत कोण शुरू हो जाता है। क्या होता है बृहत कोण, और बृहत कोण रहता है 359 तक, समझ में आया, 181 से 359 तक क्या होता है ये बृहत कोण होता है, और ये क्या होता है 91 से लेकर के 179 तक अधिक कोण होता है। याद रखना कोण का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आज से, याद रखना हाँ। और 1 से लेकर के 89 तक न्यून कोण होता है, ये क्या होता है न्यून कोण होता है, 1 से शुरू होता है 89 पे खत्म होता है, ये 81 पे खत्म होता है 359 पे, 181 पे शुरू होता है 359 पे खत्म होता है, 91 से शुरू होता है 179 पे खत्म होता है। इसके बीच के जो है चाचा लोग को समझ लो, 1 के पहले 0 होता है, 0 को शून्य कोण कहते हैं, 89 पे खत्म होता है, अगला 90 आता है, 90 को समकोण बोलते हैं, ये अलग है, ये अद्वितीय कोण है, अद्वितीय 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, हाँ 180 डिग्री का, 360 डिग्री का, ये सभी अद्वितीय कोण है, एक प्रकार से ना वार्सल का काम करते हैं। जैसे देखो नट बोल्ट कहीं कसते हैं तो बीच में एक पतला सा वार्सल लगाते हैं, मतलब इधर से बोल्ट रहता है, इधर से बीच में वार्सल लगा के चिपका देते हैं, वैसे ये सब क्या है, ये वार्सल का काम करते हैं। ए के वर्मा हाँ बचवा, देखो जो तुम बोल रहे हो मैं समझ रहा हूँ, कोई बता रहा है इसमें 90 से 180 ना, इसका मतलब है देखो, चाहे तो मैं ये बोलूं कि, और चाहे मैं ये बोलूं अधिक कोण, दोनों का मतलब एक है, देखो समझो दोनों में अंतर है। मैं बोल रहा हूं कि 91 से 179 तक, याद रखना मैंने दो वर्ड बोला यहां पे, बहुत ध्यान से हिंदी समझना, इतना से और इतना तक के कोण क्या है अधिक कोण है, लेकिन ये बोलता है 90 से 180 के बीच, दिमाग लगाना यहाँ पे, ये भी लिख सकते हो 90 से 180 के बीच के कोण क्या कहलाते हैं, वो अधिक कोण कहलाते हैं। तो चाहे तो तुम ऐसा बोलो कि 90 और 180 के बीच के सभी कोण अधिक कोण हैं, चाहे तुम ऐसा बोलो कि 90 से 179 तक के कोण अधिक कोण है, बोलो समझ में आया कि नहीं। रेहा डॉल वर्ड ये यूपी टेट के लिए ही पढ़ा जा रहा है, लेकिन 8 बजे यूपी टेट का क्लास होता है, तब कहाँ नानी के ननी उरे गई थी, हाँ क्लास का टाइम नहीं पता है, रात के 8 से 9 होता टेट वाला। चलिए तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि कोण के सारे कॉन्सेप्ट सीख गए, आज ये मल्टीपल
क्या बोलते हैं इसे, मल्टी टॉपिक क्लास हो रही है। आज ये टेस्ट का टाइम है ना सैटरडे को, इसलिए आप देखोगे इसमें अलग अलग प्रकार के कई टॉपिक शामिल होंगे। रेगुलर क्लास मंडे से फ्राइडे तक होती है, रेगुलर मंडे से फ्राइडे तक होती है, आज टेस्ट हो रहा है। समझ रहे हो ना आप लोग? ये कौन है बेइज्जती कर रहा है भाई? बेइज्जती ना करो यार, पढ़ाई कर लो चुपचाप, यहाँ कोई बेइज्जती नहीं है। हम लोग बिना इज्जत वाले लोग हैं। इज्जत तभी होगी जब कुछ पाएंगे, कामयाबी मिलेगी तभी इज्जत होगी, नहीं तो लोग इज्जत नहीं करेंगे। अपने दिल में तुम इज्जत बना के रखे रहो, भले लोग यही कहेंगे फलानवा का लड़कवा पता नहीं कितना साल से तैयारी कर रहा है, दिल्ली में, प्रयागराज में, पटना में, आगरा में। लोग चर्चा करते ना गाँव में, पता नहीं बहनी पढ़ा थोड़ा था कि ऐसे लफंग ये करा था, सुने हो कि नहीं? लोग ऐसे ऐसे चर्चा करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो अगर कुछ पाओगे ना, कुछ सक्सेस मिलेगी, तभी लोग कहेंगे हाँ ठीक है, नहीं तो लोग कहेंगे वैसे है टेम्प्रोरी, कुछ करता वरता नहीं। चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, under root 169, under root 169, under root 111, इन तीनों में कौन रेशनल नंबर है, इन तीनों में कौन परिमेय संख्या है, ये बताइए। थोड़ा थोड़ा ये डिसमिस कर रहा बीच बीच में, ठीक है। तो देखो बच्चा, इसका करेक्ट आंसर है रेशनल नंबर ये है। आप कहोगे कैसे है, क्योंकि इसका जब वर्गमूल करेंगे, हाँ वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा पता है, ये एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, इसलिए ये क्या एक रेशनल नंबर नहीं है। इसका वर्गमूल करेंगे तो 13 आएगा प्लस माइनस में, ये रेशनल नंबर हो गया, इसका भी नहीं होगा। तो परिमेय संख्या यही है बीच वाला अंडर रूट 169, ये क्या है रेशनल नंबर है, बाकी सभी इरेशनल नंबर है। तो आज का टाइम धीरे धीरे बीत गया, वैसे ही काफ़ी आज तकलीफ हुई आपको, इसलिए माफ़ी चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि आपका डीएलएड का भी लाइव चल जाए आज। डीएलएड वाले बच्चों से कुछ रूबरू होंगे हम 10:15 पर। डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट एडमिशन करवाए हैं, या आपके घर परिवार में नात रिश्तेदारी में जाने पहचाने में कोई अगर है जो बीटीसी में आपकी बार एडमिशन लिया है या लेने को सोच रहा है, और उसे मैथमेटिक्स वाली बीमारी पकड़ी है, मतलब उसे गणित नहीं आती है, तो उसे पीबीआर स्टडी में पकड़ के ले आओ गिर्रा के,